जब हम केमिस्ट्री में वन मोल की बात करते हैं, मान लो मेरे पास एक वेसल है, मैं उसमें बोलूं कि मेरे पास वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, एक हाइड्रोजन गैस है, दिस इज अराउंड बॉटम और अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क मेरे पास है, इसमें मैंने बोला कि मेरे पास वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है, वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है तो इट विल बी एच टू गैस, ठीक है। हाइड्रोजन कभी भी अकेली एच की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। जब मैंने हाइड्रोजन गैस बोला, इट इज बी क्लियर कि ये एच टू है। जब मैंने ऑक्सीजन गैस बोला तो इसका मतलब है ये ओ टू है। जब मैं क्लोरीन की बात की तो ये सी एल टू है। जब मैं फ्लोरीन गैस की बात करूंगी तो ये एफ टू है। समझ आई पहली बात? अगर मैंने ये बोला बेटे वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है तो वो किस फॉर्म में? एच टू की फॉर्म में। अगर मैंने बोला कि वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, पर फिर भी हम अगर बोल रहे हैं हाइपोथेटिकली, तो ये एच है अकेला। ये क्या है? अकेला एच। जब हम वन मोल की, जैसे कि आप एक डजन की बात करते हो तो ये ट्वेल्व होते हैं, ट्वेल्व होते हैं। जब हम वन मोल की बात करते हैं तो ये कितने नंबर ऑफ ये हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? तो इट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेस टू द पावर 23। दिस इज एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नेम के साइंटिस्ट ने एक नंबर दिया कि वन मोल में इतने नंबर ऑफ कोई भी क्वांटिटी होगी। जैसे कि अगर मैं वन डजन बोलती हूं तो ये मतलब नहीं कि वन डजन ऑफ बनाना ट्वेल्व है कि एप्पल नहीं है। वन डजन का मतलब कुछ भी, वन डजन ट्वेल्व है, वन डजन पेंसिल ट्वेल्व है, वन डजन इरेजर ट्वेल्व है, वन डजन ज्योमेट्रीज ट्वेल्व है। मीन्स वन डजन के नेम से आपको स्ट्राइक करता है ट्वेल्व। वैसे ही जब मैं वन मोल बोलती हूँ तो इसका मतलब है वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, पार्टिकल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अगर मैं वन मोल ऑफ पेंसिल भी बोलती हूँ तो इट इज 6.022 × 10⁻²³। अगर मैं वन मोल ऑफ इरेजर भी बोलती हूँ तो इट इज अगेन 6.022 × 10⁻²³। अगर मैंने इस वेसल में वन मोल हाइड्रोजन गैस डाल दी है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.022 × 10⁻²³। समझ आ रही है? इस गैस में, अगर इस वेसल में हाइड्रोजन के एटम्स हैं अकेले, तो इसमें कितने एटम्स हैं? 6.022 × 10⁻²³। इतना समझ आई बात? अब ये तो हमें पता चल गया कि वन मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब वन मोल का कितना वेट होता है, मास होता है, वो एक स्पीशीज के मोलर मास के इक्वल होता है। मोलर मास, जिसको मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास कहते हैं। अगर अकेला एटम हो तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल हो तो मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितने? वन। अगर ये एच टू की फॉर्म में है तो इसका मास कितना है? टू। ठीक है, इसका मास कितना हो गया? टू। इसमें क्या है? सिर्फ एटम। इसमें क्या है? एटम। तो इसमें कितना मास है? वन। मींस अगर मेरे पास एक वेसल है जिसमें हाइड्रोजन गैस वन मोल प्रेजेंट है, इसका मतलब उसमें कितनी गैस प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसके? 6.022 × 10⁻²³। और उसका कितना मास होगा? वो 2 ग्राम होगा। बात समझ आई इतनी?
अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास हाइड्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन गैस है, इसी वेसल में मैंने ऑक्सीजन गैस डाल दी, तो एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16, दो ऑक्सीजन के एटम का क्या हो गया 32, ठीक है। तो आप बोलोगे कि अब इस वेसल में जो गैस है उसका कितना मास है, वो 32 है, पार्टिकल्स उतने ही है, 6.022 × 10⁻²³, 1 मोल क्वांटिटी कितने पार्टिकल्स की इक्वल होती है, वो होती है 6.022 × 10⁻²³, 1 मोल कितने मास की इक्वल होता है, वो इक्वल होता है बेटे जी जितना किसी भी एटम या मॉलिक्यूलर का मास होता है, समझ आ गई। अगर मैं यहां पे 1 मोल ऑफ HCl कर दूं तो इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट इज 6.022 × 10⁻²³। और इसका अगर मैं वेट करूं 1 मोल का तो मेरे पास क्या आएगा 36.5, क्योंकि एक हाइड्रोजन का क्लोरीन का 35.5, तो मास कितना आएगा इस वेसल का, दैट इज 36.5, समझ आ रही है। 12 एप्पल और 12 बनाना का वेट इक्वल नहीं होगा, 1 dozen means 12, पर वेट कैन बी डिफरेंट, समझ आ रही है। 12 आयरन रोड्स और 12 रबर रोड्स, अगर मेरे पास 12 आयरन रोड है 12 रबर रोड्स हैं, ठीक है, दोनों 1 dozen है, क्वांटिटी सेम है 12, क्या मास सेम होगा, मास किसके ऊपर डिपेंड है, उनकी पार्टिकल नेचर पे, समझ आ रही है। तो मास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उनके मॉलिक्यूलर मास पे, समझ आ गई। अगर एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का तो उसका मास कितना होगा 32, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास डिपेंड अपॉन द गैस, डिपेंड अपॉन द पार्टिकल, डिपेंड अपॉन द एटम चूजन, बट नंबर विल बी सेम, 1 मोल में नंबर इतने ही होते हैं, इससे ज्यादा कम नहीं होते, समझोगे। जैसे ए 1 dozen में 12 होते हैं तो 1 मोल में 6.022 × 10⁻²³ ही होते हैं। किसके यूनिट चेंज होते हैं, यूनिट्स नहीं चेंज होते हैं, नंबर सेम है, 1 dozen मींस 12 मींस 12, दैट्स इट, 1 मोल इज 6.022 × 10⁻²³ मींस 23, क्या। तो फिर अगर आप 1 मोल को कन्वर्ट करोगे तो बेटी यू गेट चेंज, तो ऑब्वियस है, इफ 2 dozen और 2 मल्टीप्लाई बाय कर दोगे, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर 1/2 dozen डिवाइडेड बाय 2 करोगे दैट इज बट ऑब्वियस, हाँ। अब 1 मोल में कितने एटम्स हैं, इतने, 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने, 1 मोल का मास कितने, डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूल, जितना उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा, समझ आ रही है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का आपने टेस्ट में निकाला 56, अगर मैं बोलूं मेरे पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है तो कितने मॉलिक्यूल है कैल्शियम ऑक्साइड के, 6.022 × 10⁻²³, और उन मॉलिक्यूल का मास कितने, 56, समझ आ रही है। मोल कंसेप्ट ज्यादातर गैसेस के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद 1 मोल में कितने लीटर्स होते हैं, अगर मैंने एक RBF ले ली, राउंड बॉटम फ्लास्क ले ली, उसमें हाइड्रोजन गैस डाली बेटे, 1 मोल है मेरे पास, तो मुझे पता है मेरे पास 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस है और उस हाइड्रोजन गैस के इतने पार्टिकल्स हैं जो कि एवोगैड्रोस नंबर है, जो कि क्या है 6.022 × 10⁻²³, और कितनी वॉल्यूम है उस गैस की उस टाइम, वो होती है 22.4 liters, दैट इज 22.4 liters, सेम रहती है, इट विल नॉट चेंज, नंबर ऑफ पार्टिकल विल नॉट चेंज, वॉल्यूम विल नॉट चेंज, ओनली मास विल डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर और मोलर मास,
22.4 लीटर फॉर द पॉइंट, समझ आ गई है। अब वॉल्यूम के साथ आपको कोई लेना देना नहीं है, इलेवंथ में आप और न्यूमेरिकल्स करते हो। आपको टू टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से और नंबर ऑफ मास, मास के ऊपर डिपेंडेंट। अब आपको मोलर मास या मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल कैसे आने हैं, आप इस चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि इस चीज से बेटे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही पेपर में होंगे। देखो ये पूरा चैप्टर बेटे थ्योरेटिकल नहीं है, रियल केमिस्ट्री स्टार्ट होगी अब आपकी। व्हाट का तो दो लॉस पढ़े हैं और एक डेल्टन जो थ्योरी है वो पढ़ी है, दैट्स इट। उसके अलावा आपको केमिकल फॉर्मूलाज ही पेपर में आने हैं, मोलर मास निकालना ही आना है और मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल ही आने। समझ आ रही है? अब पहले तो टू फॉर्मूलाज राइट डाउन करो, ये डस्टर उठाओ नीचे से। ये फॉर्मूले आपको हमेशा याद रहना चाहिए बेटे, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। नंबर ऑफ मोल्स, इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूले इसके पैरेलल ही लिखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नाउ दिस पार्टिकल्स कैन बी एनीथिंग, दिस पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और इवन आयंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या है? 6.022 × 10। बेटे वन मोल में पार्टिकल, नो डाउट, लिसन टू मी केयरफुली, 6.022 × 10⁻²³ होते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम टू मोल में ज्यादा बढ़ जाने उसके हिसाब से चेंज होते जाएंगे। ठीक है, मास भी चेंज होता जाएगा। राइट ऑन द फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। जस्ट सी टू इट, व्हाट यू आर गिवन विद, व्हाट यू आर गिवन विद, गिवन मास क्या है? 52। यू आर गिवन विद 52। मोलर मास कितने हीलियम का? सो डिवाइड 52 बाय 4, यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट, अगेन यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। अगेन क्वेश्चन टू शार्ट टू द न्यूमेरिकल्स, वेक अप बोथ ऑफ यू। नाउ अगेन यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। नाउ यू आर गिवन विद 12 पॉइंट, राइट डाउन 12.044 × 10⁻²³ हीलियम एटम्स। ओके, सो यू आर गिवन विद 12.044 × 10⁻²³। तो यहां पे क्या लिखोगे? 12.044 × 10⁻²³। गिवन क्या है आपको? यू आर गिवन विद नंबर ऑफ एटम, तो पार्टिकल्स में एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन सब आते हैं,
Has she do the numerical? Your every test is worse. It is 12.044 into 10 raised to power 23 divided by 6.022 into 10 raised to power 23. You will get the answer. Now next, calculate the mass. Listen to me carefully. Now next, calculate the mass. See, agar exam mein pucha jaye mass, तो आपने क्या मास फाइंड आउट करने है? गिवन मास. व्हाट इट कैलकुलेट द मगरूपाल. इफ कैलकुलेट द मास आया, इसका मतलब आपने गिवन मास आपको नहीं गिवन. समझ आ रही है? मोलर मास को तो आपको निकालना आता ही है. गिवन मास इज नॉट गिवन. व्हाट द पॉइंट? सो कैलकुलेट द मास of 0.5 mole of N2 gas. Write down 0.5 mole of N2 gas. Samjho dhyan se. 0.5 mole. Number of moles kya hai? 0.5. Write down here number of moles. Pehle ye formula likho. Arya, write down the formula. नंबर ऑफ मोल्स यहां पे पुट करो 0.5. नंबर ऑफ मोल्स यहां पे क्या पुट करोगे? 0.5. मास आपको गिवन नहीं है. N2 गैस है. गैस का मतलब है N2 की फॉर्म में है. एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14. दो का कितना हो जाएगा? 28. तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे क्या आ जाएगा? तो ये आपको निकालना है. ये आपको 28 गिवन है, जो आपको पता होना चाहिए. नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है 0.5. तो ये अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल नहीं जाएगा. व्हाट द पॉइंट? नेक्स्ट नेक्स्ट इज 0.5 मोल ऑफ एन एटम यू आर गिवन विद. पहले आपको नाइट्रोजन गैस गिवन थी, अब 0.5 मोल ऑफ एन एटम. स्टैंड अप बोथ ऑफ यू. जयंत एंड हिरदे, स्टैंड अप बोथ ऑफ यू एट द लास्ट बेंच. गोकृति में कम है ऑन दिस बेंच. नाइन्थ स्टैंडर्ड के बच्चे क्रॉस जीरो खेल रहे हैं. इधर आ जरा. वो खेला नहीं खेल सकता जब तक तू ना खेलेगा. For the last and stand up. Stand up. Now you are given with bete 0.5 mole of nitrogen atoms. Bete, literally हम shout करते इस class में आके. इतनी डिस्टर्बेंस आपकी. सीधा के बैठ भूषण. 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम. नाइट्रोजन एटम का मतलब क्या? 14 ग्राम. नाइट्रोजन एटम का मतलब है एक नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन एटम का मतलब क्या? यहां पे क्या लोगे अब आप? 14. तो 14 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो आंसर विल बी. नेक्स्ट राइट डाउन कैलकुलेट द मास ऑफ. कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 23. Write down first number of nitrogen atom. 3.011 into 10 raised to the power 23. Mass निकालने बेटे, listen to me carefully. Moles नहीं निकालने आपने. समझ आ रही है? Mass निकालना है 3.011 into 10 raised to the number of nitrogen atom.
अब इसको ध्यान से, इसमें दोनों फॉर्मूलेज लगेंगे, ध्यान से समझो इसको। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है मास। हमें गिवन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हमें मोलर मास तो पता है आपको, नाइट्रोजन एटम पता है, नाइट्रोजन एटम इसका मतलब ये चीज तो हमें पता है, दैट इज 14। हमें अगर मास निकालना है तो हमें ये भी चीज चाहिए। अगर हमने मास निकालना है तो हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए। अब अगर हम ये वैल्यू यहां फिट कर दे तो क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं आएंगे? ये कितने हैं, इसकी वैल्यू यहां पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, 3.00 × 10^23 डिवाइडेड बाय 6.022 × 10^23। ये कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू यहां ले आएंगे हम तो हमारे पास मास आ जाएगा। समझ आ गई? तो हेयर यू विल टेक 3.011 × 10^23 बाय दिस, ये कैंसिल आउट करोगे, इट विल बिकम 1/2। 1/2 इज 0.5, ये वैल्यू क्या है 14, तो 14 × 0.5 = 7। मैंने हर्षित को वहां इसलिए बिठाया था कि हमारे टेस्ट बहुत अच्छे हो रहे हैं और आफ्टर 2 वीक्स यू आर हैविंग एग्जाम्स, और मैं कोई लीनियर टीचर नहीं हूं बेटे, एग्जाम में कोई फेवरेटिज्म नहीं है मेरे में, क्रॉस का मतलब क्रॉस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखो 6.022 × 10^23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, 6.022 × 10^23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, इसका भी आपने मास निकालने। आपको गिवन क्या है, अब 6.022 × 10^23 गिवन है। आपको गिवन क्या है, 1/1 जीरो होता है। आपको गिवन क्या है बेटे, 6.022 × 10^23 एवोगैड्रोस नंबर क्या है, 0.22 × 10^23। इन दोनों कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा, 1। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 1। आपको क्या गिवन है, नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस का क्या होता है, 28। तो आंसर क्या आ जाएगा, 28 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 28 = 28। बात समझ आई बेटे? मास है जो हमें पता नहीं है, हमें गिवन मास का मतलब है कि इस फॉर्मूले में मास निकालना। अगर आपके पास इतने पार्टिकल्स हैं तो इसमें कितना मास है आप खुद देखो। अगर हम इसको सॉल्व भी ना करते, लिसन टू मी केयरफुली, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने गिवन है, 6.022 × 10^23, और ये क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू मोलर मास, तब भी 28 आना था। क्वाइट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करते रहो, अपने आप डाउट क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाद में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैलकुलेट, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मींस ये फाइंड आउट करना है, लिसन टू मी केयरफुली, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट डाउन 46 ग्राम
46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, 46 ग्राम सोडियम एटम. सी यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अगर ये फॉर्मूला देखो, आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होनी चाहिए तभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालोगे. ध्यान से जस्ट सी, क्योंकि आपको एवोगैड्रोस नंबर पता है, आपको मोल चाहिए, मोल मिलेंगे तभी पार्टिकल्स निकलेंगे. फिर इधर आ जाओ, आपको क्या गिवन है, गिवन मास क्या है, मोलर मास कितना होता है सोडियम का, 23 इंटू टू क्यों करना है भाई, यहाँ पे क्या लोगे आप, हियर 56 46, यहाँ पे क्या लोगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, इधर आ जाओ, टू यहाँ पे आगे, टू इंटू गॉट इट, गॉट द पॉइंट. नेक्स्ट वही करवाया मैंने, 46 हम कुछ और कर रहे हैं, स्लीपिंग 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 8 ग्राम मोल कंसेप्ट ऐसा बेटे, प्रैक्टिस मोल कंसेप्ट को प्रैक्टिस बहुत चाहिए. 8 ग्राम ऑफ O2, नाउ यू आर गिवन विद 8 ग्राम, यू आर गिवन विद व्हाट इज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, नाउ देयर विल बी O2, सो यू विल टेक 8 / 32, 1/4 मींस 0.25, नंबर ऑफ मोल्स विल बी पॉइंट, यू कैन पुट हियर 0.25 मल्टीप्लाई बाय, यू विल गेट पार्टिकल्स, यू विल गेट पार्टिकल्स और नॉट,